अमित शाह के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। शरद पवार को राजनीति में भ्रष्टाचार का सरगना उनकी ओर से बताया गया। आगे यहां पर अमित शाह कहते हैं, औरंगजेब फैन क्लब में उद्धव ठाकरे शाह के बयान पर अब उद्धव गुट सुप्रिया सुले का यहां पर पलटवार भी सामने आया है। तो देखिए अमित शाह के बयान पर कैसे घमासान छिड़ा है इसे समझिए। महाराष्ट्र में अमित शाह के बयान पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। आपको बताएं कि शरद पवार को राजनीति में भ्रष्टाचार का सरगना अमित शाह की तरफ से कहा गया, जिसके बाद अमित शाह ने कहा कि औरंगजेब फैन क्लब में उद्धव ठाकरे हैं। तो वहीं इस बयान पर अमित शाह के बयान पर अब उद्धव गुट सुप्रिया सुले की तरफ से पलटवार भी किया गया है। तो पूरी खबर क्या है वो आपने समझा, लेकिन वो बयान क्या था जिसके बाद ये सियासी हलचल है वो भी आप समझिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। महायुति और महाविकास अघाड़ी चुनावी रणनीति बनाने में लगे हैं। इस बीच एक दिन पहले पुणे में महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के नेताओं पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का समर्थक बताया। उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे के अलावा शरद पवार पर भी जमकर निशाना साधा। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है। शरद पवार पर दिए अमित शाह के बयान पर सुप्रिया सुले ने सवाल उठाया। इस सरकार में अदब श्री अमित शाह जी है, सी मोदी सरकार ने शरद पवार जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के अलावा अमित शाह राहुल गांधी पर भी हमलावर दिखे। उन्होंने दावा किया है कि देश की जनता को खटाखटा पर भरोसा नहीं है। और महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को लेकर भी बड़ा हमला बोला, जिसके बाद उद्धव गुट हमलावर हो गया है। औरंगजेब फैन क्लब कौन है जरा जोर से बोलो, औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं, और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। आज आदरणीय शरद पवार साहब इनके लिए सरगना हो गए, भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना, और उन्हीं के सगे भतीजे अजीत पवार साहब इनके लिए संत हो गए हैं। उद्धव ठाकरे साहब अगर इनका डटकर सामना कर रहे हैं तो औरंगजेब हो गए, औरंगजेब फैंस क्लब के मेंबर हो गए, और अगर इनके साथ जाकर बैठ जाए तो पूरे दुनिया के एक चमत्कारिक पुरुष हो जाएंगे और महान संतों और ऋषि मुनियों में गिनती ये लोग बीजेपी वाले करने लगेंगे।